आदरणीय बंधुओं नमस्कार। मैं रमन शांडिल्य आपका स्नेही मित्र, आपके चहेते साहित्यिक कार्यक्रम श्रेष्ठ कवि श्रेष्ठ कविता का पूर्णांक अर्थात हमारी प्रथम साहित्यिक यात्रा के अंतिम पड़ाव को लेकर उपस्थित हूँ। पिछले एक वर्ष की अवधि में हमने हर सप्ताह विश्व साहित्य के अद्भुत काव्य रत्नों को आपके साथ साझा करने का प्रयास किया है। आप सबका असीम स्नेह हमारी पूरी टीम को मिला। हम आपका तथा हमारे उन सभी साथियों जिन्होंने काव्य प्रस्तुति देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी आहुति डाली का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। हमारी विनती है कि थोड़े कहे को ज़्यादा समझें। आज कार्यक्रम के अंतिम अंक में जिस श्रेष्ठ कवि को हम लेकर आए हैं उनका नाम है गोस्वामी तुलसीदास और उनकी श्रेष्ठ कृति है श्री रामचंद्र कृपालु भजमन। गोसाई जी की श्रेष्ठ कृति विनय पत्रिका से ली गई यह रचना भक्ति धारा से ओतप्रोत होने के कारण आज मात्र आरती बनकर रह गई है, किंतु यह तथ्य भी नकारा नहीं जा सकता कि वस्तु रस अलंकार ध्वनि वक्रता गुण भाव भाषा अर्थ और ज्ञान का अद्भुत सम्मिश्रण होने के कारण इस अनुपम काव्यकृति को श्रेष्ठ साहित्य कृति का सम्मान भी मिलना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। संस्कृत एवं अवधी भाषा में लिखी गई इस कृति में तुलसीदास जी ने शब्द विन्यास बिंब विधान एवं हरि गीति का छंद के माध्यम से सरस संगीत का मधुर सम्मिश्रण कर एक अद्वितीय साहित्यिक रचना का सृजन किया है। एक प्रकार से यह रचना साहित्य संगीत एवं ज्ञान की त्रिवेणी है और आज इस अद्भुत रचना को अपना स्वर दे रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर जाने माने आर्ट गुरु दासजी पुरुषोत्तम। दासजी पुरुषोत्तम बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं। वे गायक तो हैं ही, साथ ही वे चित्रकार और मूर्तिकार भी हैं। उनके द्वारा सृजित चित्र राष्ट्रीय स्तर की एग्जीबिशंस में प्रदर्शित किए जाते रहे हैं। तो आइए सुनते हैं दासजी पुरुषोत्तम की सुमधुर आवाज में गोस्वामी तुलसीदास जी की यह अप्रतिम। रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री राम श्री राम श्री राम कंदरप अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम नौमि जनक सुतावरम श्री राम श्री राम श्री राम भजुदीन बंधु दिनेश दानव दत्त वंश निकंदन रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदन चंद दशरथ नंदन श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषण आजानु भुज
शर चाप धर संग्राम जित खरदूषण संग्राम जित खरदूषण इति वदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मनरंजन मम हृदय कंज निवास कर कामादि खलदल गंजनम कामादि खलदल गंजनम श्रीराम 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 मन जाहि राचहु मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो स्नेह जानत रावरो श्रीराम 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 एहि भांति गौरी आशीष सुन सिय सहित हिय हर्षित अलि तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली मुदित मन मंदिर चली श्रीराम 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 श्रीरामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणं नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज कंजारुणं श्रीराम 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 जय सियाराम। श्रेष्ठ कवि श्रेष्ठ कविता के पूर्णांक में गोस्वामी तुलसीदास जी की कविता क्यों? प्रश्न स्वाभाविक है, उत्तर भी उतना ही स्वाभाविक है। तुलसीदास श्रेष्ठ ही नहीं श्रेष्ठतम हैं। हिंदी साहित्य के उतने ही महत्वपूर्ण कवि सूरदास गोस्वामी तुलसीदास जी को संत शिरोमणि के नाम से पुकारते हैं, तो महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के अनुसार गोसाई जी कालिदास वेदव्यास वाल्मीकि होमर गेटे तथा शेक्सपियर की श्रेणी में रखने के योग्य कवि हैं। वास्तविकता तो यह है कि ऐसे विश्लेषकों की भी कमी नहीं जिनका विचार है कि रामचरितमानस लैटिन ग्रीक आदि भाषाओं में लिखे महाकाव्यों से कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ है। लेकिन विडंबना यह है कि जनमानस तुलसीदास जी द्वारा रचित ग्रंथों को भक्ति साहित्य के रूप में ही स्वीकार करता है। इन ग्रंथों को साहित्यिक दृष्टि से कम ही जांचा परखा गया है। परंपरा के अनुसार महाकवि तुलसीदास जी का जन्म वर्ष 1532 में हुआ था। जन्म के समय उनके मुंह से जो पहला शब्द निकला वह था राम, इसलिए उनका नाम रखा गया राम बोला। अपने गुरु शेष सनातन के चरणों में बैठ तुलसीदास जी ने संस्कृत व्याकरण वेद दर्शन शास्त्र ज्योतिष तथा तंत्र की शिक्षा ग्रहण की। किंवदंती के अनुसार भगवान शिव की आज्ञा से तुलसीदास ने संस्कृत भाषा को त्याग जनमानस की भाषा अवधि में अपने महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की और इस प्रकार वे सच्चे अर्थों में जनमानस के कवि बने। भक्ति काव्य में रामचरितमानस को श्रेष्ठ कृति का दर्जा आलोचकों ने तो बाद में दिया, आम भारतीयों ने तो उसे आरंभ से ही अपने सिर माथे पर रखा। राम कथा को भारतीय समाज ने रामचरितमानस को पढ़ सुनकर ही हृदयंगम किया।
उनके लिखे गए ग्रंथों में रामचरितमानस के अतिरिक्त विनय पत्रिका, हनुमान चालीसा, हनुमान बाहुक आदि हिंदू भक्ति ग्रंथ विश्व भर के हिंदुओं के हृदय में श्रद्धा का उच्चतम स्थान रखते हैं। हनुमान चालीसा तो मानो हर श्रद्धावान की जुबां पर रहता ही है। तुलसीदास न केवल श्रेष्ठ कवि थे, वे अपने समय के पुनर्जागरण आंदोलन के संवाहक भी थे। उनके काव्य में प्राचीन भारतीय दर्शन तथा धर्म का अद्भुत सम्मिश्रण है। आमजन की भाषा अवधि का प्रयोग कर तुलसीदास जी ने एक प्रकार से हिंदू धर्म को निद्रावस्था से निकाल जागृत कर दिया। प्रसिद्ध इतिहासकार एजी ग्रियर्सन के अनुसार तुलसीदास ने धर्म की कोई शाखा स्थापित नहीं की, न कोई संप्रदाय ही चलाया, पर उनकी पुस्तक ने करोड़ों लोगों के लिए धर्म का मार्ग प्रशस्त किया। उनके राम सगुण हैं और सौंदर्य, शक्ति एवं मर्यादा के सर्वोच्च मानदंड स्थापित करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, तुलसीदास समाज में सामाजिक समन्वय के प्रतीक के रूप में उभरे। भक्ति काल के अन्य कवियों के साथ उन्होंने समाज को जोड़ने के कार्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। शायद यही कारण है कि आदर्श समाज एवं राष्ट्रीयता की भावना की अवधारणा हेतु गांधी जी ने राम राज्य की स्थापना की बात की। ऐसे श्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपना सांसारिक शरीर वर्ष 1623 में छोड़ा। इन श्रेष्ठ कवि को नमन करते हुए हम सिर्फ यह कहेंगे कि वे अपने समय में निराशा के सागर में डूबे हुए समाज के लिए एक प्रकाश स्तंभ थे और आज आधुनिक समाज के लिए भी एक प्रकाश स्तंभ हैं। एक ऐसा प्रकाश स्तंभ जिसे कोई तूफान न हिला सकता है न गिरा सकता है। श्रेष्ठ कवि श्रेष्ठ कविता के प्रथम चरण का यह अंतिम अंक था। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। एक बार फिर हम हृदय से आप सब मित्रों का धन्यवाद करते हैं। जल्द ही फिर मिलेंगे एक नए स्वरूप में। तब तक के लिए विदा, प्रणाम।